नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना न्यूज आज आपके लिए एक ऐसी आकाशगंगा धरती पर लेकर आ गया है जिसकी शुरुआत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे विकास के रूप में, भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए व्यवस्था की जा रही है, यानी 16वीं लोकसभा का गठन हो रहा है और बहुत से सांसद पहली बार जीत कर आए हैं जो संसद जा रहे हैं और उनके पास कुछ संकल्प हैं, नई आशाएं हैं। और मेरे संग इस पूरे कार्यक्रम में मेरे दो साथी आपका साथ देंगे जो आपको आपके सांसदों से मिलवाएंगे, बताएंगे। माधुरी सिंह मेरे साथ में होंगी और मुकेश कुमार मेरे साथ में होंगे। हम तीनों आपको ले चलेंगे आप ही के सांसदों से मिलवाने के लिए कि उन्होंने युवा भारत की तस्वीर कैसी देखी है, वो कैसे हिंदुस्तान का सपना चाहते हैं और अपने अपने संसदीय क्षेत्र से क्या कुछ उन्हें करना है, जनता की उनसे क्या उम्मीदें हैं, उन्हें जनता से क्या उम्मीदें हैं। यही है हमारा कार्यक्रम आशाएं 2014। और कहा भी गया है कि पिछले 10 साल में देश की जो तस्वीर थी उसको बदलने में वक्त तो लगा, लेकिन आशाओं का नया सवेरा और उम्मीदों की नई सुबह आ पहुंची है। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये लोग किस तरीके से इस देश को आगे लेके जाएंगे। आइए मेरे साथ चलिए, मिलिए अपने सांसदों से आशाएं 2014 में। मेरे साथ मौजूद है माधुरी और मुकेश। मुकेश, हमारे जो मेहमान है उनका एक बार आप परिचय करा दें। हमारे साथ मंच पे सबसे दाहिनी तरफ राजेश पांडे जी बैठे हुए हैं, बीजेपी के एमपी हैं, जीत करके आए हैं। और उसके बगल में हैं बैठे हुए अमरोहा के, माफ कीजिएगा, उनके बगल प्रतापनगर से जो एमपी हैं वो जीत के आए हैं। उसके बाद माधुरी सिंह जी हमारी एंकर हैं, वो बैठी हुई हैं। उसके बाद अमरोहा के जो एमपी कंवर सिंह तंवर हैं वो बैठे हुए हैं। उसके बाद जो बीदर से जीत के आए हैं कर्नाटक के एमपी हैं भगवंत सिंह जी, वो है। उसके बाद दिलीप गांधी जी, उनके बीच में व्हाइट इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रहलाद पटेल जी जो सबसे लास्ट पे बैठे हुए, उनको सब जानते हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है वो। तो आज हमारे इस प्रोग्राम आशाएं 2014 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार आई है और लोगों की उम्मीदें क्या है इस सरकार से। तो हमारे पास कुछ मेहमान जो स्टेज पे बैठे हैं, इसके अलावा दर्शक दीर्घा में भी लोग बैठे हुए हैं। प्रहलाद जी, जिस तरह से लोगों की उम्मीदें इस सरकार से, अच्छे दिन आने वाले हैं ये सोच करके लोगों ने वोट दिया है, तो इस अच्छे दिन आ चुके हैं मोदी जी पीएम के रूप में, तो जो प्राथमिकताएं हैं आपकी वो किस तरह की है? आप पहली प्राथमिकता क्या है जो आप मोदी सरकार से चाहेंगे जो पूरी हो? मुकेश जी, मुझे लगता है कि कुछ लोग इसको व्यंग्य के रूप में भी अभी कुछ दिन करने लगे थे एक दो दिन से, पर मुझे लगता है कि अच्छे दिन आने का मतलब बड़ा साफ है कि जब आप पाकिस्तान ने हमारे 59 मछुआरों को छोड़ा, ये शुरुआत है। सवाल है कि सरकारें तो थीं लेकिन उसका इकबाल नहीं था, अभी सरकार अस्तित्व में नहीं आई और इकबाल शुरू हो गया। लेकिन चूंकि आपकी छवि एक प्रखर हिंदूवादी नेता की रही है, हालांकि जैसा कि प्रखर ने भी कहा कि अब बातें पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी देश में एक तबका है जो उनको लग रहा है, जो 20-25% आबादी है, वो कहीं ना कहीं कुछ असुरक्षित जैसा महसूस कर रहे हैं। ये उनके थिंक टैंक्स, उनके पॉलिटिशियंस या आम लोगों के बीच भी ये बात आ रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल निश्चित रूप से बेबाकी से अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच में अपने मुद्दों को रखता रहा हूँ। मैंने कभी दुविधा नहीं रखी है, धारा 370 हो, राम जन्मभूमि का मामला हो, लेकिन एक बात मैं साथ में उनसे कहता था कि मतदान आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आपकी पढ़ाई, आपकी दवाई और आपकी अन्य विकास की बातों में अगर कभी आपको दुराव लगे तो आप हमको चौराहे में कटघड़े में खड़े करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है मुद्दे को नहीं छुपाना चाहिए, जिन मुद्दों पर हम हैं, जिन सिद्धांत मेरे जैसे नौजवान कार्यकर्ता इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, इसलिए आज भी दिल से इच्छा है। और इसलिए मुझे लगता है वो अल्पसंख्यक लोगों से मैं कहूंगा कि मैं मजदूरों के बीच में काम करता हूं, आज अगर श्रम कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है तो क्या वहां मुसलमान मजदूर उसके लिए परेशान नहीं है? क्या उसके लिए दुर्भाग्य नहीं है? उसके बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिलती? अगर पंचायत के चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में तो अगर आप बहुत धर्म और जाति की बात करते हो तो वहां पर उनको अधिकार क्यों नहीं दिए गए? आपका लंबे समय गुजरा है राजेश पांडे, आप इन दोनों नीतियों को किस तरीके से देखते हैं? आपने वो वक्त भी देखा है जब सदाए सरहद लेके गए थे अटल जी, खास तौर पर बस यहां से जाती है, वाघा बॉर्डर खोला जाता है, अब वो आ रहे हैं, बुलाया गया है, लेकिन देश के अंदर बहुत से लोगों को इस बात के ऊपर आपत्ति है कि साहब आते ही आपने न्योता भेज दिया है, तो इस डिप्लोमेसी के मतलब क्या है? ये कॉमन कर्टसी है, इस कॉमन कर्टसी के तहत हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, हम शुरू से ये कहते थे कि जब हम आएंगे तो सबसे रिश्ते अच्छे रखेंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि विकास हमेशा वहीं हो सकता है जहां अमन, चैन और शांति स्थापित हो।
यहाँ आपस में झगड़े होते हैं, वहाँ विकास नहीं हो पाता है। तो मोदी जी की ये सोच हमेशा से ही रही और यही उन्होंने गुजरात में करके भी दिखाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पिछले 12 वर्षों में जिस तरह वो सबको साथ लेके चले, अमन चैन और शांति स्थापित की गुजरात में, उसी की वजह से जिस विकास की ऊंचाइयों को वो छुप पाए वो संभव हुआ। तो वही उनका व्यापक स्वरूप में है, अब वो प्रधानमंत्री के पद पे ग्रहण करने जा रहे हैं, तो उनकी सोच यही है। आपने कांग्रेस के एक कद्दावर नेता राजा आरपीएन सिंह को हराया और वो केंद्र में मंत्री भी रहे, क्षेत्र की जनता के लिए भी जाहिर है उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन एक सांसद के तौर पर अब जनता की अपेक्षाएं इस तरीके से हैं कि वो चाहते हैं कि सड़क से लेकर नाले तक हर समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी की बातों में है, उनके मुद्दों में है और उन्हीं मुद्दों को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपको लगता है कि जनता की इतनी बड़ी आकांक्षाओं को जहां वो हर समस्या के समाधान के रूप में आपको देख रहा है, इस चुनौती को आप ठीक तरीके से निभा पाएंगे? जी निश्चित तौर पे। देखिए, मैं शुरू से इस बात को मानता था कि अगर ताकत ऐसे व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाए जिसकी नीयत जनता के लिए कुछ करने की हो तो फिर कुछ आड़े नहीं आता है, सब कुछ किया जा सकता है। पूर्वांचल का विकास ही नहीं हुआ है और इसी वजह से लड़े वाराणसी से। आपके बगल में आपके साथी बैठे हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि प्रतापगढ़ भी उसी तरीके से है। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, कैसे आप लोग उम्मीदों को पूरा करेंगे? मैं दोनों से ही जवाब चाहता हूं, क्योंकि आपके बगल में धर्मवीर जी भी बैठे हैं और हरियाणा बहुत विकसित है, लेकिन आप लोग के पास तो ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, कैसे आप करेंगे? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि हमारे यहाँ पूर्वांचल पिछड़ा हुआ इलाका है। कुशीनगर के संग अच्छी बात यह है कि वो एक इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप से जाना हुआ एक एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। वहाँ पर्यटन की असीमित संभावनाएं हैं और अभी जैसे 60-70 हजार के आसपास पर्यटक हर वर्ष आते हैं। वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन ली जा चुकी है अधिग्रहण जो का, हम उसको संचालित करने का प्रयास करेंगे। जिस दिन हमने उसको संचालित कर लिया, हम पूरे विश्व से सीधे जुड़ जाएंगे और जितना फॉरेन मनी हमारे यहाँ कुशीनगर में इन्वेस्ट होगा उससे असीमित संभावनाएं कुशीनगर के लिए। वहाँ बिजली भी लाई जा सकती है, सड़कें भी बनाई जा सकती हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष हम लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। हरवीर जी के लिए एक क्वेश्चन है, अनुराधा जी आई है हरियाणा से ही है, ये पूछेगी, क्या सवाल है अनुराधा? मंच पर मौजूद सभी सांसदों को मेरा नमस्कार और धर्मवीर जी से मेरा सवाल ये है कि सर, आपने जीत हासिल करने के बाद की बात कही कि नरेंद्र मोदी की ये जीत है, अब ऐसे में सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव हरियाणा में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी वहां से लोकसभा चुनाव लौटते हैं, लेकिन क्या इस बार स्थानीय मुद्दों ने कोई काम किया है? और अगर किया है तो श्रुति चौधरी जो विमानगर महेंद्रगढ़ से यात्री हैं, एनसीआर में उन्होंने उसे शामिल किया, विकास के काम हुए, जब हम उनका डाटा देखते हैं तो ये भी समझ में आता है कि जितनी निधि उनको दी गई वो सभी एमपी से सबसे ज्यादा उन्होंने खर्च किया, बावजूद इसके जनता की पसंद आप कैसे बने? जहां से लोकसभा की सदस्य श्रुति चौधरी थी, आप उस क्षेत्र में जाके देखें, केवल मात्र पार्लियामेंट के मेंबर की ग्रांट जो मात्र 5 करोड़ होती है उसको कंप्लीट खर्च करने से विकास नहीं होता। आप नांगल चौधरी जो राजस्थान के साथ लगता है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सारा राजस्थान और भिवानी का भी एक सारा पोर्शन चूरू डिस्ट्रिक्ट से लगता है, वहां जाके देखेंगे तो पीने का पानी नहीं है, 2000 फीट तक गहराई में देखोगे तो कैसा ही पानी नहीं है। विकास का मतलब ये नहीं कि 5 करोड़ रुपए आपने लोकसभा ने दे दिया और आपने खर्च कर दिया। आज कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा को माना जाता है, इस देश को भी हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। हकीकत यह है कि आज एक भी परिवार जो खेती से जुड़ा हुआ है खेती करना पसंद नहीं करता, वो घाटे में है। आदरणीय वाजपेयी जी के समय में जिनकी एक सोच थी कि सारी नदियों को जोड़ के हम बाढ़ से बचा के उस क्षेत्र को पानी दें, आज जब सूखा पड़ता है तो लोगों के पास पीने का पानी नहीं होता। किसान तभी तो कुछ पैदा करेगा तब उसको पानी मिलेगा, उसके इंश्योरेंस के लिए क्या करेंगे? नहीं, माननीय नरेंद्र जी भाई ने बनने से पहले ही ये कह दिया कि मैं नदियां जोड़ने का काम प्राथमिकता के आधार पर करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका कंवर सिंह तंवर जी लंबा रिश्ता, एक सवाल ले लूं उनसे, उसके लिए आपको क्या लगता है? ये बड़ा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसके मजदूरों के संग आज तक न्याय नहीं हुआ है। यही मजदूर जब बाहर जाता है तो इसके पास हार्ड शूज होते हैं, सिर पे हेलमेट होता है, लेकिन जितने भी रियल एस्टेट के सेक्टर हैं उसमें उनकी कोई पूछताछ नहीं होती है, उनके लिए भी कुछ बेहतर होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? देखो, आपने देखा होगा, जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात
कर रहे हैं। आज मजदूर हमारे जो देश में काम विकास के काम बढ़ेंगे तो मजदूरी बढ़ेगी, जो बेरोजगार मेरे युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा तो उससे हमारे मजदूरों का भला ही होगा ना। आज कई प्रोजेक्ट ऐसे जो बंद पड़े हैं, नेशनल हाईवे रोड बंद पड़े हैं और इस सरकार में हमें उम्मीद है इस बार वो चालू होंगे तो रोजगार भी आगे बढ़ेगा। जी पप्पू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक जरूर जानकारी बता दूं कि आज भी इस दुनिया में यदि पानी की सबसे ज्यादा 15 सालों में ही की किल्लत है तो वो गुजरात सबसे पहला राज्य है। आज भी 9,36,600 घरों में बिजली नहीं है तो गुजरात पहला राज्य है। आज भी आदिवासी और दलितों का सबसे ज्यादा कुपोषण कहीं है तो गुजरात पहला राज्य है। आज भी ये आप मैं एक सेकंड रुके, मेरी बात सुन लीजिए। आशाएं 2014 कार्यक्रम का नाम है, आप आशाओं पे बात करें, आप निराशाओं पे बात ना करें। मेरे बीच में कैसा भी सांसद है जो मजदूर तबके से आया, जिसने उस मजदूरी को सहा है, उस गरीबी को सहा है और उसने अपनी जिंदगी को संसद तक पहुंचाया, मेरे पास दिलीप गांधी मौजूद है, वो आपको जवाब देंगे। दिलीप जी, आपने खुद मेला चलाया है, बताइए कि कितनी दिक्कतें होती हैं और जब संसद तक आते हैं तो क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। नहीं, देश की जनता को तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहिए, जो काम करने वाला है और उनके सुख दुखों के साथ चलता है उसके साथ जनता जलती है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से शुरुआत की और उन्होंने जिस प्रकार से समाज में एकता निर्माण करी, गुजरात का मॉडल तैयार किया, 12-13 साल तक गुजरात ने जिस प्रकार का विकास किया, अभी कोई कितना भी कुरोए, कुछ भी करे, कुछ भी बोले, तो जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है कि उसका कोई वापस पीछे देखने की जरूरत आवश्यकता नहीं। अभी आगे हमें क्या करना है, सामान्य जनता की जो आस बनी है, अगर अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा नहीं तो अच्छे दिन आए हैं, ये हमें सिद्ध करना है। और उस दृष्टिकोण से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अटल जी की सरकार का जो अधूरे सपने रहे थे वो पूरा करना, 250 आबादी वाले गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना, और सबसे अच्छा अगर भारत को सुदृढ़ और समृद्ध बनाना है और सशक्त बनाना है तो आम आदमी को, हम ही यहाँ बोतल का पानी नहीं पिए तो आम आदमी भी उतना साफ सुथरा पानी पिए, उसकी व्यवस्था आने वाली है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 71+2 अपना दल ने चमत्कार किया 2012 में भी, रोहनिया से प्रिया पटेल विधायक बनी मोदी जी के क्षेत्र से ही। आज जो मैंने देखा कि विपरीत परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ 39 लोकसभा क्षेत्र से कुमार हरमन सिंह जी, जहां पर प्रमोद तिवारी, राजा भैया, राज कुमारी रत्ना सिंह, दिलेश कुमार सिंह और पकड़ हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनका यह क्षेत्र रहा। लेकिन मैंने यह देखा है कि आजादी के आज तक वहां पर न सड़कें हैं, उद्योग शून्य है, लोगों को काफी आशाएं हैं। मोदी जी पूर्वांचल में बनारस से लड़े थे और मैं समझता हूँ बनारस से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में, तो मेरा प्रश्न माननीय कुमार हरमन सिंह से इसलिए है कि हरमन सिंह जी मैं समझता हूँ बनते बनते समय में इनका चुनाव चिन्ह भी बदला गया, अनुप्रिया पटेल जी का दोबारा नंबर प्लेट इनको क्या छीन दिया गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहां के लोगों का जो पलायन हो रहा है पूर्वांचल, सब पूर्वांचल के लोग जा रहे हैं मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, तो इस पलायन को रोकने के लिए, क्योंकि आप देश के अच्छे उद्योगपति हैं, मेरी जानकारी जहां तक है वो देश के एक अच्छे उद्योगपति हैं और सदन में शायद जनता ने इन्हीं आशाओं से, क्योंकि आप लोगों की अपेक्षाएं बहुत है, तो मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूं कि आखिरकार जो ग्रोथ है माननीय मोदी जी भी वहां से छुटे गए हैं, पूर्वांचल की बेरोजगारी को दूर करने के लिए आखिरकार कौन सी योजना उन्होंने बनाई है, ये आशाएं हैं लोगों को, उस आशाओं में चाहता हूं उनसे काफी आशा। देखिए, ऐसा है कि पूर्वांचल में कोई विकास नहीं है, खाली प्रतापगढ़ की बात नहीं, पूरे पूर्वांचल में विकास नहीं है और उसका कारण है कि वहां लीडरशिप नहीं, लीडरशिप न होने से वहां विकास नहीं है। पूरे पूर्वांचल के नेताओं के साथ बैठना पड़ेगा, पूरी योजना बनानी पड़ेगी। अभी नरेंद्र मोदी जी वहां आ गए हैं बनारस में और मैं नरेंद्र मोदी
जिसे रिक्वेस्ट करता हूं शिवसेना के माध्यम से बनारस की चिट्ठी रिटेन कर। बनारस हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध जहां महानिर्माण हुआ था वहां एयरपोर्ट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट आने से हमारी समस्याएं सुलझने की नहीं, वहां एग्रोवेज इंडस्ट्री हर जगह लगानी पड़ेगी। गन्ना की मिले हमारी बंद पड़ी है, गन्ना की मिलों को चालू करना पड़ेगा, वो पुरानी मिले हैं नए मॉडर्न तरीके से चालू करना पड़ेगा, उसमें पावर प्लांट लाने पड़ेंगे, डिस्टिलरी लानी पड़ेगी, शुगर रिफाइनरी लानी पड़ेगी, हर जिले में डेयरी का प्लांट डालना पड़ेगा, किसानों को दूध उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी, उनको लोन देना पड़ेगा, नाबार्ड से लोन भी मिल सकता है। ये सारी योजनाएं हर जिले के लिए पूरा प्लान बना के नरेंद्र मोदी जी सामने जब हम रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है उसमें कोई देर लगेगा। मेरा सवाल रंजीता यादव जी से भी है कि आधी आबादी की कोई बात नहीं कर रहा है, आधी आबादी की भी बहुत सारी अपेक्षाएं इस सरकार से है, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, वो कैसे पूरे होंगी? मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि इस डिस्कशन के लिए बुलाया, और जो सवाल आपने किया, मैं इंडिया की जनता को कहना चाहती हूँ कि 61 महिलाएं इस बार पार्लियामेंट में जीत के आई हैं, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। वी होप कि हम सारी महिलाएं चाहे पक्ष में विपक्ष में, जब जब महिला का कोई कॉज उठे उनके सशक्तिकरण का, उनको मजबूत करने का, तो एटलीस्ट मैं जरूर कह सकता हूँ कि मुझे माननीय जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है, करेंगे, तो मैं उन पर पूरा फेथ नहीं कर सकती। और जो सिचुएशन गुजरात में उनकी फैमिली बैकग्राउंड में रही, तो हम नहीं कह सकते कि वो महिला को किस तरह से सशक्तिकरण देंगे, लेकिन मुझे होप है हम जितने वुमेन पार्लियामेंटेरियन आज पार्लियामेंट में पहुंचे हैं कि जब जब ऐसा कॉज हो, जब वुमेन रिजर्वेशन की बात आए, वुमेन से जुड़े हुए जो प्रश्न हो और वो मुद्दे हो, हम लोग एकजुट होकर लड़कर उसके लिए। एचपी कुमार जी हमारे साथ है, एनएसआई के चेयरमैन है, होशियारी जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा सवाल नहीं है, मेरा एक कमेंट है कि लघु उद्योगों के माध्यम से एक बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। अभी पिछले दिनों विभिन्न प्रकार के चुनाव प्रक्रिया में अगले 5 वर्षों में 10 करोड़ नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात कही गई, तो और देश में बहुत बड़ी संख्या में लघु उद्योग इस समय भी चल रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि ऐसी कुछ नीतियां आप लोगों के माध्यम से आगे बढ़ाई जाए जिससे कि लघु और कॉटेज इंडस्ट्रीज को, जैसे कि यादव जी ने भी कहा कि लघु उद्योगों के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके, और ये जो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट की जो इस समय योजनाएं चल रही हैं जिसमें हम 100 दिन का रोजगार का एक आश्वासन दे रहे हैं और एक योजनाएं भी चला रहे हैं, ये कब तक चलाते रहेंगे? तो इनमें कुछ परिवर्तन करके अगर इसी पैसे को, इसी बजटरी एलोकेशन को, जो आपने सुझाव दिए हैं वो सामान्य रूप से हम सभी लोग उन्हीं सुझावों पर आगे चलते हैं, और मैं सोचता हूँ कि जैसे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने उत्तराखंड बनते ही वहाँ एक औद्योगिक पैकेज दिया, तो वहाँ लाखों लोगों को इस समय परमानेंट रोजगार मिल रहा है। ऐसे ही जो लघु उद्योग वाली बात है, बड़े उद्योग बहुत लंबे नहीं, ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए कहीं ना कहीं हमको जो लघु और कुटीर उद्योग है उन लघु और कुटीर उद्योगों को देखना पड़ेगा, और उस दिशा में जैसे मेरा उत्तराखंड है तो माननीय मोदी जी के दिमाग में बहुत स्पष्ट कल्पना है। वो जब उधर देहरादून आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है हम पर्यटन के अलावा भी जिस प्रकार से जड़ी बूटी का है, अगर उसको विकसित करेंगे तो लोकल लोगों को ही रोजगार मिलेगा, और उसके लिए अगर हम मार्केट ढूंढेंगे, ऐसे ही और भी वहाँ फलोद्यान है, इस प्रकार की चीजें हैं, तो ऐसे जैसे मेरे स्टेट विशेष की, राज्य विशेष की कुछ चीजें हैं जिनको हम विकसित कर सकते हैं, हमारे दिमाग में खाका है, और वहाँ सरकार भले ही अभी दूसरी है पर मुझे पूरा भरोसा है हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे, और जैसा मोदी जी ने कहा कि कोई 5 साल के नहीं 10 साल और 20 साल की योजना बना के चलेंगे। सूबे साहब बड़ी दूर से आए हैं, बीदर से आए हैं, आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं? पहली बार आप संसद पहुंच रहे हैं, धरती से संसद तक आना और वहां अपनी बात कहना, मनवाना, आपके दिल में क्या है अपनी जनता के लिए, आपको क्या करना है? मैं बीदर क्षेत्र कर्नाटक से आया हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर जो मूलभूत सौकर्य है
पानी, बिजली और रास्ते के, तो अभी उसका जितना भी कमियां है, 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के अंदर मैं उसका निश्चित रूप से मैं पूरा कर पाऊंगा और उस दृष्टिकोण रखते हुए मैंने काम करूंगा। निश्चित रूप से अगली इलेक्शन आने तक हमने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट देना चाहिए हम लोग दे पाएंगे, ये आत्मविश्वास मेरे पास है। यही आत्मविश्वास के ऊपर मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने बड़ी अंतर से मुझे चुन के दिया है। मेरे क्षेत्र के लोगों को मैंने इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। इस बीच हमारे साथ हरीश द्विवेदी जो बस्ती के एमपी है वो जुड़ गए हैं मंच पे बैठे हुए, और बक्सर के एमपी अश्वनी चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अश्वनी चौबे जी से सवाल लगता है पहले से ही तैयार था, हमारे दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर आर एस गुप्ता जी है, उनके पास सवाल है अश्वनी चौबे जी के लिए। चौबे जी, सारे देश में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत आवश्यक चीज है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टेट को दी गई है। सेंटर में उसका हस्तक्षेप या उसका रोल लिमिटेड है। बिहार के अंदर ये देखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर अभी बहुत ज़्यादा हमें कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, और अभी जो स्थिति है वो कोई बहुत बढ़िया लेवल की स्थिति ऐसा हम नहीं कह सकते। उसको ठीक करने के लिए आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले मैं साधना परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हम सबको यहां मिलने का अवसर दिया। साथ ही देशवासियों को मैं संपूर्ण बिहार सहित संपूर्ण देशवासियों को मैं बधाई देता हूं कि आपने एक माहौल देश में शांति और सद्भावना का बनाया है, ये माहौल कायम रहे। आपने जो प्रश्न किया है विधि और कानून की हालात के बारे में, विशेष करके बिहार के बारे में आपने इस बात को उठाया है, अभी मुझे लगता है कि देश में नई सरकार बन रही है, भाजपा नेतृत्व की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और वो सरकार कल के बाद देश के विकास के लिए देश में भय, भूख, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के की समाप्ति की दिशा में कारगर कदम उठाएगी। जो एक्शन प्रोग्राम है वो आगे वो नक्शे कदम आपको दिखाई पड़ेंगे। चौबे जी, आपकी ही बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं बहुत देर से। डॉक्टर संजय जायसवाल जी को भी एक मौका दें, पप्पू जी संजय जायसवाल जी को भी एक मौका दें, उसके बाद आप तुरंत बोलेंगे। हम जंगल राज के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। जी संजय जी, जो सवाल था उन्हीं मुद्दों पर बात होगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट होता है, और परिवर्तन के लिए लेकिन केंद्र से भी वह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए राज्यों को, जिससे कि उनके पास नए इक्विपमेंट्स आ सकें, नए और नई सोच भी हो सके। बिहार के साथ दुर्भाग्य रहा कि 2005 में जब हम अलग हुए और बहुत तेजी से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ, और 7-8 वर्षों में काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही थी, लेकिन जब सरकार से एनडीए के घटक हम हट गए और जदयू की सरकार जब अपने आप में हो गई, उसके बाद से जब एक बार यह क्रिमिनल्स में मैसेज चला जाता है कि भाई यह सरकार मजबूत नहीं है। और एक बात जरूर कहूंगी सुमित्रा जी, आप अपने पीएम साहब को जरूर मिलेगा, 21 लाख की ट्वीट में जो उन्होंने ट्विटर किया, एक प्रधानमंत्री आज ट्वीट कर रहा है कि मैंने 21 लाख रुपए अपने स्टाफ को दे दिए। आपको सत्ता प्रधानमंत्री आखिरी सफेद वाले को माइक, 21 साल रुपए अपने स्टाफ को दे दिया है, आज हमने नरेंद्र मोदी जी को दी है उस राशि को, उस वृद्धा को 500 रुपए वृद्धा पेंशन हमने नहीं बांटा, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम अपनी हार मंजूर करते हैं, पर आप 500 रुपए उस तक कब पहुंचा रहे हैं ये हम उम्मीद करते हैं, अगर आप पहुंचा देंगे हम आपको सैल्यूट करेंगे। रंजना जी चिंता मत करो, आप जितने सारे प्रश्न उठाई है 5 साल पड़े हैं, और 5 साल
आइए आइए। मैं सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देती हूँ, जितने भी यहाँ पर मौजूद है सभी सांसदों को बधाई मेरी तरफ से, शुभकामनाएं भी देती हूँ। और रंजना जी चिंता मत करो, जितने भी प्रश्न उठाओगी उतने उसके, अरे नहीं पप्पू जी बैठो बैठे, उस सबके समाधान कारक उत्तर आने वाले 5 साल में आपको जरूर जरूर मिलेंगे। पहली बार देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को साथ में लेकर के जो सरकार हम बनाने जा रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है और आपको भी और हिंदुस्तान की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आने वाले 5 साल में ये सरकार जरूर जरूर जो आप चाहते हो इस प्रकार के परिणाम देगी। मैं आपकी जानकारी के लिए एक ही बात छोड़ती, जो आपने नदी जोड़ों के लिए शायद उठाई, नदी जोड़ने का मतलब नदी का प्रवाह बदलना नहीं। आप अगर आओगे तो इंदौर में ही आ जाओ, मैं मेरे क्षेत्र में आपको बताऊंगी कि हमने नर्मदा के पानी को क्षिप्रा से जोड़ा है। इसका मतलब नर्मदा का प्रवाह नहीं बदला है, नर्मदा का एक प्रवाह केवल हम क्षिप्रा में जोड़ने के लिए लाए हैं ताकि क्षिप्रा भी न सूख जाए, नर्मदा के पानी का भी जो पानी बह बह के केवल निकल जाता है उसका उपयोग हो जाए। तो आप वो प्रयोग भी अगर देखने के लिए आओगे, आगे जाकर के वही प्रवाह हम जोड़ने की कल्पना कर रहे हैं चंबल से, दूसरी दूसरी नदियों से, ये जोड़ने से पानी जो नदी में बहता है, जो क्षिप्रा हमारी सूख गई थी, पानी जो नदी में आता है उसके कारण पूरी जमीन अंदर से भी कहीं ना कहीं पानी से भर जाती है, खेती के लिए उपयोगी हो जाती है, ट्यूबवेल भर जाते हैं, कई सारे उसके काम है। तो नदी जोड़ो जो कल्पना है एक छोटी मोटी बात नहीं है, नदी का प्रवाह बदलने की बात नहीं है। तो आप वहां भी आकर के, आप गुजरात भी जाकर के जो नर्मदा का पानी उन्होंने इसमें डाला है साबरमती में, वो भी देख सकते हो। प्रवाह यानी मोड़ना नहीं है, प्रवाह का एक हिस्सा वहां जाकर के पानी मिलाना है और इसलिए पूरे हिंदुस्तान को पानी पिलाना। पक्ष को आपके पानी नहीं पिलाना, मैं बोल रही वो स्वर में नहीं बोल रही, मगर एक वो बातें और भी कई सारी बातें हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, 5 साल है हमारे पास और हम सब मिल करके भारत के उत्कर्ष के लिए प्रयास करेंगे। माननीय नरेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने या जो हमारे सालों साल के संस्कार है उन सबको साथ लेकर के हम जरूर जरूर नए भारत का निर्माण करेंगे और भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। जो सवाल रंजना जी ने कहा है, क्योंकि पर्यावरण से सबसे ज्यादा लगाव यहाँ मौजूद लोगों में है तो कोश्यारी जी का है, और कोश्यारी जी ने पर्यावरण को बिल्कुल घर से समझा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड को कैसे बचाना है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा त्रासदी आई थी। और जो बातें आपने नदियों को कही है, ज्यादातर नदियां देवभूमि से ही आ रही है, और खासकर आप जो कह रही, मैं जोड़ देता हूं, परेशान मत होइए, मैं जोड़ दे रहा हूं, और खासतौर पर गंगा भी साफ करने की जिम्मेदारी इन्होंने ले ली है। देखिए रोजगार उद्योगों और मैडम गंगा, आपने पर्यावरण के बात बोली, आपने कहा कि प्रकृति को प्रकृति के रूप में रहने दो, इसलिए अपना अगर थोड़ा सा भी हम लोग अध्ययन करेंगे तो लगता है कि प्रकृति हमको प्राकृतिक रूप में हम लोग जन्म लेते हैं, लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं प्रकृति से आगे हम अपनी संस्कृति बनाते हैं, प्रकृति से कहीं खिलवाड़ करके हम विकृति भी करते हैं। इसलिए ध्यान ये रखना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या प्रकृति को आगे बढ़ा करके उसको विकृति कर रहे हैं या फिर उसको संस्कृति कर रहे हैं, ये निर्भर करता है इस पर। जैसे भी सुमित्रा जी ने कहा कि भाई हम नदी का कोई बहाव नहीं रोक रहे हैं, तो प्रकृति जो है एक प्रकार से हम पहाड़ से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, सारी नदियां हमारे यहां से आती हैं, परंतु अगर मैदान में आकर के नदी के बहुत सी नहरें निकल जाती हैं, अब आप कहोगे एक मिनट, आप कहोगे कि नदियों की नहरें क्यों निकालते हो, आप कहते हो कि फरा क्यों निकालते हो, ये
सोच समझ की बात है। आप कितना, आप तो नदियों की जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं तो कहती हूं भारतीय जनता पार्टी तो सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की कल्पना लेकर के, देखा पप्पू यादव जी बोल देते हैं मुझे नहीं, प्लीज प्लीज बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोला था, मैं बहुत कुछ बोल सकता था। ये कोई भारत की संसद नहीं है ना, विधानसभा है ना, ये साधना है। यहां थोड़ा साधना नहीं यादव जी, यहां साधना करना सीखे, सुनना सीखे, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखिए कि हम जब नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो विषय आया है प्रकृति को, आपने विशेष करके कहा, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि प्राकृतिक स्वरूप भी बना रहे हैं और उसको हम सुसंस्कृत कितना अधिक बना सकते हैं, उस सुसंस्कृत बनाने की कल्पना भारतीय जनता पार्टी करती है। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि हम प्रकृति को भी बचाए रखेंगे और जिस परिवेश को हम विकास, सुनिए, विकास के परिवेश को हम बनाने जा रहे हैं, उस विकास में भी हम निश्चित रूप से विकास करेंगे। और देश के लिए जो संभव हो, नदियों को ही एक साथ जोड़ करके नहीं, आप सबको भी एक साथ जोड़ करके चलेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। धन्यवाद जी। कोश्यारी जी, शरद त्रिपाठी जी है संत कबीर नगर से, बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं, उन्हें भी मौका। रोकना चाहूंगा, इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय सनातन जी, है बीजेपी पार्लियामेंट्री के सेक्रेटरी है पार्लियामेंट्री पार्टी के। उनसे जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की राजनीति में बीजेपी ने किस तरह से कमल खिलाया है और दक्षिण भारत की राजनीति के लिए क्या योजना है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट साधना टीवी एंड मिस्टर राकेश गुप्ता फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। मिस्टर नरेंद्र मोदी gave maximum time for southern India. He toured entire Tamil Nadu and addressed in 10 big public meetings. Not only that, he extensively covered Karnataka, Andhra and Kerala. And he has promised three things. Number one is employment. He has a clear idea of developing the local industry, namely the Erode turmeric industry. The turmeric, it is a product that can be utilized for Ayurveda as well as cosmetics. In the same way, in Karnataka, Coorg, lot of spices are there. He has got a special plan. Even the cardamom industry will grow. And because of Narendra Modi, the hope for 2014 and 19 is employment, job creation, industrial awakening, and the farmers will be in a very good state of mind. And textiles will improve. So our confidence is textiles, agriculture, industry, job creation will be the finest point for this 2014 and 19. Thank you, Sadhana TV. Thank you, Mr. Rakesh Gupta ji. Sadhana Channel ko dhanyavad dete hue, apne Lok Sabha ke sammanit matdataon ko dhanyavad deta hu ki jinke aashirwad se aaj sansad ke roop mein साधना चैनल ने हमें आमंत्रित करके अपनी बात कहने का अवसर दिया। निश्चित ही संत कबीर नगर लोकसभा जिस क्षेत्र से मैं निर्वाचित होकर के आया हूं, भौगोलिक कठिनाई का क्षेत्र है। तीन जिले की तीन प्रकार की समस्याएं हैं, तीन नदी है, और जो हथकरघा उद्योग की बात आपने कहा है, निश्चित ही अगर हथकरघा उद्योग को विकसित किया जाए तो पूर्वांचल के सबसे छोटे जिले संत कबीर नगर की पहचान विश्व पर स्थापित होगी। आज स्थिति है कि वहां का जो भी हमारा बुनकर भाई है वो अपना वस्त्र उत्पादन करता है, लेकिन उसके पास वहां कोई विकसित बाजार नहीं है। आज भी बैलगाड़ी पर वो अपना कपड़े का गट्ठर लाद करके और वहां के बाजार में जाकर के खलीलाबाद के बरदहिया बाजार में रात से ही डेरा डालता है, और सुबह जो भी उसको मिल जाता है, कभी कभी तो वह नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी अपना वस्त्र बेचने पर मजबूर होता है। हमारा यह प्रयास होगा कि हस्तकरघा क्षेत्र को विकसित करने के लिए सबसे पहले जो उनकी आवश्यकता है वह बिजली की आवश्यकता है। आज वहां बिजली वहां उनको न के बराबर मिल रही है, जिससे उनके सारे लूप्स बंद होने के कगार पर हैं। यह बिजली का पूरा कार्य तो उत्तर प्रदेश सरकार का है, केंद्र सरकार इस पर अनुदान ही दे सकती है। मैं आग्रह करूंगा अपने केंद्र के सरकार से भी आने वाले समय में और प्रदेश सरकार से भी कि अगर हथकरघा उद्योग को विकसित किया जाए तो वहां के बहुत सारे बेरोजगार भाई जो आज दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, गुजरात में जाकर के अपने रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका वहां जीविकोपार्जन होगा। जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उस पर यहाँ बातचीत चल रही है कि किस तरीके से उन अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे। वहां की जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या वायदे आपने किए थे, कैसे पूरे होंगे।
एक माफी के संग अब धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है, तो कम शब्दों में ज्यादा कह जाइए, सागर में अब आपको गागर में सागर भर दीजिए मेहरबानी करके और बताएं। मैं रविंद्र कुमार पांडे झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में निर्वाचित हुआ हूं। हमारे झारखंड प्रदेश नया प्रदेश है, विडंबना यह है कि नए प्रदेश होने के बावजूद 10 साल तक केंद्र में सरकार यूपीए की रही, जिसके चलते क्षेत्र में जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए वो कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाए, और क्षेत्र में हमारे यहाँ दो किस्म का क्षेत्र है, एक है ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा है कोयलांचल का क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे मतदाता हैं, वहाँ के जो आम जनता है, उनको सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने में प्राथमिकता हम लोगों ने तय किया है। मैं लव कुमार सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब जंगल राज था बिहार में, 14 साल इन्होंने संघर्ष करके जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम किया, अभी फिर कुछ दिनों से बिहार की विधि व्यवस्था काफी गड़बड़ होते जा रही है, और ये सांसद बनकर आए हैं, हम इनके हार्दिक रूप से बधाई देना चाहते हैं, खास करके जिस क्षेत्र से सांसद है, जहानाबाद से। जहानाबाद काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मैं उसके सटे जिले औरंगाबाद से आता हूँ। औरंगाबाद और जहानाबाद, जहानाबाद तो उग्रवाद से कुछ कम प्रभावित है, लेकिन औरंगाबाद उग्रवाद से काफी प्रभावित है। सरकार की उग्रवाद से निपटने की क्या नीति है, और आगे बिहार के विकास में और बिहार में नया सरकार बनाने में आपकी क्या भूमिका होगी? स्वामी जी सहजानंद सरस्वती को मानने वाले लोगों में से आप हैं, किसानों के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सभी को नमस्कार। कई सवालों को आपने एक साथ जोड़ दिया है और समय कम है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि पिछले 15-20 वर्षों से जो लगातार राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति अविश्वास जो जनता में बढ़ा है, इस वॉयड को, इस गैप को नरेंद्र मोदी ने भरने का काम किया है। हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से आते हैं, नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम करने वाले लोग हम हैं, लेकिन जो बिहार की स्थिति बनी, अभी पप्पू यादव जी कह रहे थे चले गए, माननीय नीतीश कुमार ने खुद कहा खगड़िया में कि यदि ये फला आदमी नहीं होते जो कार्रवाई लेकर के उनकी रक्षा कर रहे थे और गोली चला रहे थे, डीजीपी के उपस्थिति में पूरा राज्य प्रशासन था, और मुख्यमंत्री ने खुद कहा, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, कि यदि फला आदमी नहीं होते, सारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो तस्वीर दिखलाई गई जो कानून तोड़ रहा था मुख्यमंत्री के सामने, वही उनका सबसे बड़ा रक्षक हुआ। तो आप कल्पना कर सकते हैं बिहार किस परिस्थिति में गया है, और यह स्थिति पूरे देश की बनी है कि हम लोग जो वादा करते हैं उसके ठीक विपरीत आचरण करते हैं। तो आज नक्सलवाद की समस्या या बेरोजगारी की समस्या या भ्रष्टाचार की समस्या, इन सारी समस्याओं का निदान आज नरेंद्र मोदी में लोग देख रहा है। हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि जहानाबाद ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आज नक्सलवाद के चपेट में है, आतंकवाद के चपेट में है। तो ये जो विश्वास का जो वॉयड था उसको एक व्यक्ति ने भरने का काम किया है, और संसद को इस काम को तमाम 542 जो सांसद चुन करके आए हैं उनको किसी भेदभाव के बिना राष्ट्र को ताकत देने का काम करें, और इस डेमोक्रेसी को एक पुनः रिवाइवल का मौका मिला है। यदि यह विश्वास पैदा हो गया तो निश्चित तौर से आपकी अकाउंटेबिलिटी पीपुल के प्रति बढ़ेगी और समस्याओं का निदान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगला सवाल हरीश जी से है, हमारा हरीश द्विवेदी जी से है। अब एक मिनट और समय हम लेंगे। एक बड़ा सवाल जो नदियों को नदियों से जोड़ने की बात कही गई, अटल जी की सरकार में भी हम सांसद थे, उस समय भी यह एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, और इस सरकार ने संकल्प लिया है, जितना प्रयास वरणविद लोग हैं इस बात को नहीं, मैंने नर्मदा को जाकर के देखा,
जहां 4000 गाड़ियां टैंकर चलती थी पानी पिलाने के लिए, आज गांव में टैंकर की जरूरत नहीं है, नदियों में पानी पहुंचाया गया है। यदि प्रकृति को बिना हानि पहुंचाए हुए नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, हमारे यहाँ पुनपुन दरधा मोरहर परियोजना है जिसको नीतीश कुमार पदयात्रा करते थे, हम लोग भी पदयात्रा करते थे, टाल परियोजना थी जिसपे उनकी राजनीतिक जन्म हुई थी, इन सारे चीजों को छोड़कर इसलिए हम लोग आज इन सवालों के लिए नमन करते हैं कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये बात बनी हुई है। यदि आया तो खेत खलिहान और गांव की एक बड़ी समस्या का निदान होगा और नक्सलवाद का एक सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी है, गांव में जो गरीबी है बेरोजगारी है वह भी एक बड़ा फैक्टर है, इसलिए इस काम को प्राथमिकता पर ली जानी चाहिए और पर्यावरणविद को सकारात्मक दृष्टि से इसे सोचना चाहिए। यह अवरोधक नहीं है प्रकृति का, बिल्कुल अरुण जी हम उल्टी धारा में से न ले, समय का वह हम दूसरे धन्यवाद। बस्ती के सांसद हमारे साथ हैं हरीश द्विवेदी जी, उनसे सवाल है, काफी देर से इंतजार हो रहा है इस सवाल का। हरीश जी पहले तो आपको सांसद बनने के लिए बधाई देते हैं, हमारा सवाल आपसे है कि हमारे बस्ती में गन्ने की मिल हुआ करते थे, हमारा मुख्य फसल बस्ती में गन्ना है, गन्ने की मिल बंद हो गई, आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं? दूसरा, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर आप बस्ती में युवाओं के लिए क्या करेंगे, इसमें प्रकाश डाल। सर्वप्रथम आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आज साधना चैनल के परिचर्चा का जो विषय है आशाएं, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो पहला चुनाव मैंने ऐसा देखा जहां पर लोगों ने नकारात्मक रूप नहीं डाला बल्कि भारतीय जनता पार्टी से आशा और मोदी जी से आशा थी उनको कि वो आएंगे तो देश के में गरीबी दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं भी बस्ती से चुन करके आया हूँ, बस्ती में गन्ना किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ शुगर मिल थी वो बंद हो गई, शुगर मिल कैसे चलेगी इसके लिए मैंने लोगों से वादा किया है कि मैं प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से बातचीत करके गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान करूंगा। वहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ के नौजवान दिल्ली बंबई कलकत्ता सूरत अहमदाबाद जाते हैं, नौकरी खोजते हैं, वहाँ पर कुछ उद्योग धंधे लगाए जाए, कुछ कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए, इस प्रकार की योजना मेरे मन में है। आने वाले समय में भारत सरकार से बातचीत करके तमाम योजनाएं भारत सरकार की ऐसी होती हैं, अगर एक सांसद प्रयास करे तो अपने क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है, कुछ बड़े उद्योग लग सकते हैं, इस दृष्टि से मैं आने वाले समय में प्रयास करूंगा। इस टाइम दो और सांसद आ गए हैं, हमारे मेहमान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा पधारे हैं नोएडा से, रिकॉर्ड वोटों से जीत के आए हैं, और फरूखाबाद से हमारे साथ मुकेश राजपूत भी मौजूद हैं, आप भी जीत के आए हैं, और जानने की कोशिश करेंगे मुकेश जी आपसे खास तौर पर फरूखाबाद में जो बार बार बात हुई है वहां का कुटीर उद्योग बढ़ा है, वहां पे जो हालात हैं वो कैसे सुधरेंगे और आप अपने यहाँ की इंडस्ट्री को कैसे सुधारेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साधना चैनल को जो आपने यहाँ पर हम सब लोगों को बुलाया और बोलने का अवसर दिया और अपने क्षेत्र की समस्याओं को धरने का बोलने का प्रयास किया। मैं बताना चाहता हूँ जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक फरुखाबाद में कोई भी उद्योग धंधा कोई भी स्थापित नहीं किया गया है। छोटे छोटे उद्योग धंधा जैसे छपाई का कार्य था, दर्दोजी का काम था, ये भी छपाई उद्योग को लगभग 90% समाप्त हो चुका है हमारे यहाँ से, और जो कार चौक का काम है वो भी लगभग बंद की कगार पे है क्योंकि वहाँ से आवागमन का साधन कोई बहुत अच्छा नहीं है। हमारा प्रयास होगा सबसे पहले कि छपाई उद्योग धंधा फिर पुनः, जैसे फरुखाबाद का छपाई उद्योग, फरुखाबाद ही नहीं उत्तर प्रदेश नहीं पूरे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में भी उद्योग धंधा छपाई का उद्योग धंधा था वो आज दम तोड़ चुका है, उसे जिंदा करने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये है कि दर्दोजी के लिए जहां हमारा रेलवे का ऐसे साधन मुहैया हो जाए जिससे व्यापारी लोग आते जाते रहें। दूसरा हमारा प्रयास होगा कि वहां पर किसानों के लिए जो सबसे बड़ा आलू उत्पादन करता फरुखाबाद जनपद, कृषि आधारित ऐसे आलू से आधारित कोई उद्योग धंधे स्थापित हो जाए जिससे वहां का किसान जो है वो बहुत हताश और निराश हो चुका है, आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुका है। हमारा प्रयास होगा कि कृषि आधारित उद्योग धंधा आलू से आधारित उद्योग धंधे लगे जिससे वहाँ के किसानों को चार पैसे मिले, वहाँ के बेरोजगार नौजवानों को कुछ रोजगार भी मिले। नोएडा से बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं और बहुत सारी चुनौतियां नोएडा के सामने हैं, विकास को लेकर के भी और सुविधाओं को लेकर के भी। महेश जी देखिए, नोएडा
गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश की शो विंडो है और शान भी है। रेवेन्यू के मामले में भी और एनसीआर का क्षेत्र होने के नाम से वहां के लोगों की अपेक्षाएं वहां के शासन प्रशासन से और अपने जनप्रतिनिधि से बहुत ज्यादा है। जैसे मोदी जी से लोगों ने बहुत सारी अपेक्षाएं पूरे देशवासियों ने बनाई है, वैसी अपेक्षाएं वहां के शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि से हैं। मैं 32 वर्षों से नोएडा में रह रहा हूं, वहां की जरूरतों, वहां की समस्याओं और उनके संभावित समाधान के विषय में काफी कुछ मैं परिचित हूं। मैं समझता हूं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जो सबसे बड़ी समस्या है वहां पर कानून व्यवस्था की समस्या है। जो शहर वास्तव में एक औद्योगिक शहर के रूप में बसाया गया था, लेकिन अब वो एक बेतरतीब तरीके से विकास के कारण वो शहर कहीं मरता हुआ सा नजर आ रहा है। मैं निराशावादी नहीं हूं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उस शहर के लिए अभी करना बाकी है। पिछले करीबन 10 वर्षों में एक भी नया उद्योग नोएडा में नहीं आया। नो पावर कट जोन बार बार घोषित होने के बावजूद पावर की बुरी स्थिति है। पास के जो गांव है वहां तो 2 से 4 घंटे बिजली आती है। शहर की भी अगर हम बात करें तो वहां भी बिजली कटौती बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, आपका तो वहां पर आपका तो प्रदेश में सरकार नहीं है। इस विषय में मैं परसों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला था, अखिलेश यादव जी से, और मैंने उन्हें याद दिलाया कि आपकी शासक हैं आप प्रदेश के और नोएडा आपके पास मीडिया का हब है, वहां से फेंकी हुई कंकड़ी की आवाज भी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व तक पहुंचती है। चाहे वो कानून व्यवस्था के रूप में पिछले एक दो महीने चुनाव के समय तो बहुत ही बुरी कानून व्यवस्था रही। मैं समझता हूं कि अगर जनप्रतिनिधि मजबूत है और जनता उसके साथ है तो समस्याओं का समाधान हो सकता है और होगा भी, ऐसा हमारा विश्वास है। मेरे संग बलिया से भी इस टाइम मौजूद हैं सांसद, वो भी अपनी बात कहना चाहते हैं और पहली बार उनके दिल में यह है कि मेरा नाम भरत है तो मैं इस भारत माता की भी मुझे सेवा करनी है, मैं कैसे सेवा करूंगा, अपनी जनता ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे ज्वलंत समस्या बलिया की बाढ़ और कटान से तत्कालिक रूप से बचाने का है। आगे चल के विकास का जो काम है बलिया में, सड़कों की दुर्दशा है बलिया में, बिजली की कोई स्थिति नहीं है, और जब से ये तो हम ये हैं, लेकिन अब जनप्रतिनिधि आप हैं, आप क्या करेंगे, आपके दिल में क्या, आप जो गिना रहे हैं वो आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं, लड़ाई आपको लड़नी है। तो हम तो लड़ेंगे ही। उससे पहला सवाल हमारे पास आया है भोला बाबू के लिए, भोला बाबू किससे सवाल पूछना चाहते हैं, बिहार की जनता हमारे पास आई है, बताएं। सवाल आपसे ये था कि बेगूसराय जो रहा है सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ 20 से 25 सालों में, खासकर लगातार 30 सालों में, जो औद्योगिक इकाइयां वहां मौजूद थी वो या तो बंद हो गई या उनका प्रोडक्शन या उत्पादन बहुत ही नीचे की ओर आ गया। मेरा सवाल ये है कि आप अपने मतलब निजी स्तर पे आप क्या प्रयास करने वाले हैं इसको लेकर, क्योंकि वो बेगूसराय एक बिहार का औद्योगिक का प्रतीक रहा है। जो सवाल अपेक्षित हैं उन सवालों का जवाब बड़ा तार्किक है और मैं प्रश्नकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बेगूसराय के औद्योगिक क्षेत्र की पीड़ा, उसके आक्रोश को साधना के मंच पर रखा है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन समस्याओं का मैंने वर्णन किया है वे सारी समस्याएं वर्तमान सरकार से गंभीरता के साथ विचार करके हम उसके निदान की ओर बढ़ेंगे, केवल कह के नहीं करके इसको दिखाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त। अब हमारे पास माधुरी जी हमारे पास पहले से एक और सवाल है, अजय निषाद जी काफी देर से बैठे हुए हैं, अजय निषाद जी के लिए हमारे पास सवाल है। मेरा ये कहना है कि मुजफ्फरपुर जो शहर है पूरे दुनिया में लीची के लिए फेमस है, उसका प्रोडक्शन उसकी क्वालिटी वर्ल्ड में नंबर वन है, मगर आज की स्थिति यह है कि वहाँ किसान लीची का पेड़ कटवा रहे हैं और उसकी बुरी हाल है। दूसरा है कि एक LS कॉलेज है जहाँ पे आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे टीचर थे, वो खंडर बनते जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ये हम लोग का शहर का पहचान ही लीची है और निश्चित ही इसके विकास के लिए हम काम करेंगे। किसानों को लीची का उचित दाम मिले और उनका कैसे विकास हो लीची के संबंध में, उस पर भी काम करेंगे। जहाँ तक लंगट सिंह कॉलेज का बात है, पहले भी हमारे पिताजी ने सांसद दीदी से कुछ पैसा उसमें दिए हैं और उस वो हमारी
बिहार की धरोहर है, उसमें भी हमसे जो बन पाएगा जरूर करेंगे। हम उत्तर प्रदेश से भी कुछ बात करना चाहेंगे। अभी तक यूपी के जितने भी सांसद मंच पर आए थे, उन्होंने कहा कि केंद्र में तो हमारी सरकार है, लेकिन देखना है कि राज्य की सरकार हमें कैसे मदद करेगी, तभी हम वहां विकास कर पाएंगे। तो राज्य का बहाना महेंद्र पांडे जी, ये कितने दिन तक चलेगा? ये जो मैं डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे चंदौली से सांसद हूं, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं जो गांवों से शहर की तरफ बढ़े हैं, अर्ध शहरी सुविधाएं की परिस्थितियों से झेल रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इन सारे क्षेत्रों में एक वर्ष के अंदर चंदौली पार्लियामेंट के अंदर परिवर्तन और सुखद अनुभूति मैं कराऊंगा, यह संकल्प के साथ कह रहा हूं। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी के लिए हमारे पास सवाल है, फ्लाइट पकड़ना है, उन्हें जाना भी है। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी से सवाल पूछिए। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, आप बुंदेलखंड को बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड की महोबा हमीरपुर सांसदीय सीट से भारी बहुमत से वजह ही होकर आए हैं। वहां की जनता को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और भारतवर्ष में बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा एवं गरीब क्षेत्र है। यहां का किसान बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं वहां के किसानों ने करी हैं। वहां का किसान बहुत बदहाली की जिंदगी जी रहा है। शिक्षा का अभाव है और स्वास्थ्य सेवाओं में कोई खास सुविधाएं नहीं है। वहां की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब वो जाके स्वास्थ्य की सुविधाएं ले पाते हैं। और बिजली का आलम यह है कि 14 से 15 घंटे वहां पर लाइट बिजली नहीं रहती है। तो आप उस क्षेत्र के लिए ऐसा क्या करेंगे कि उस क्षेत्र की जनता को बहुत उम्मीदें हैं आपसे? आज आपने बुंदेलखंड की जो समस्या को जो बताया है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संघर्ष का जीवन बुंदेलखंड के लोगों का है। मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है, अगर बुंदेलखंड में नदियों को बड़ा सघनता से जोड़ दिया जाए और पूरी नहरों को का जाल बिछा दिया जाए, तो एकमात्र बुंदेलखंड जो कि हमारे 4 संसदीय क्षेत्र का क्षेत्र है, वहां से इतनी पैदावार हो सकती है कि वहां का अन्नदाता किसान पंजाब के बराबर गेहूं और अनाज पैदा कर सकता है। ये सबके पास आंकड़े हैं, सबको जानकारी है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि संवेदनशून्य सरकारें नहीं, उन्होंने बुंदेलखंड के बारे में बहुत कुछ सोचा नहीं। और जो आज के इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है आशाएं, हमको हमारे नेता परमादरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर से पूरे हिंदुस्तान को आशाएं हैं और हम लोगों को भी आशाएं हैं कि पूरे बुंदेलखंड में रोजगार के लिए और वहां से जो लोगों का पलायन रुक सके, इसके लिए वहां पर अधिक से अधिक जो काम जो संभव हो सकेंगे, जिसकी पूरी उम्मीद है कि हम लोग कर पाएंगे, वो किया जाएगा। उपेंद्र जी, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। इस बीच हम मंच पे कुछ नए लोग जो जुड़े हैं उनका परिचय करा दूं। प्रवेश वर्मा जी हैं, दिल्ली से सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र राय जी हैं, झारखंड के हैं, वो जुड़ गए हैं। इसके बाद विष्णु दयाल जी हैं, काफी देर से बैठे हुए हैं, उनके लिए हमारे पास सवाल भी आया है। और इसके अलावा जो कुशवाहा जी हमारे साथ बैठे, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ पहले से जुड़ गए, उनके बगल में उन्हीं की पार्टी के रामकुमार जी हैं, वो भी सीतामढ़ी के सांसद हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भोला बाबू है जो कि अब जा रहे हैं। हमारे पास जो सवाल है, सबसे पहले प्रवेश वर्मा जी के लिए हमारे पास सवाल है, अंजू श्री जी पूछेंगे, बताएं क्या। प्रवेश जी, पहले तो आपको विजय श्री की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। आप खुद भी एक युवा सांसद हैं, भारत की युवाओं ने इस नई सरकार को बहुत उम्मीद से एक अच्छी नई सोच के तहत वोट दिया है, तो भारत के युवा जो बेहतर करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बेहतर चाहते हैं, उन युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है, उनकी रोजी रोजगार के लिए आप युवा शक्ति के लिए क्या करना चाहते हैं, अपनी सोच हमें बताएं। धन्यवाद। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस चुनाव में देश के युवाओं ने एक सशक्त सरकार को और एक मजबूत प्रधानमंत्री को चुना, और अगर चुना तो सारे युवा बहुत सारी आशाएं भी रखते हैं। आपने रोजगार की बात करी, रोजगार से पहले हमें युवाओं के लिए शिक्षा के स्तर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें युवाओं को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो खुद अपना रोजगार ढूंढ सके। जब वो काबिल हो जाएंगे, अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, आज मैं देखता हूं शिक्षा का जो स्तर है और जो खास तौर से सरकारी शिक्षा है, उसका स्तर बहुत अच्छा नहीं है पूरे देश में। मैं किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो हमें उसको अच्छा करना है, और जितनी अच्छी शिक्षा
कोई प्राइवेट संस्थानों में मिलती है वैसी ही शिक्षा हमारे सरकारी संस्थानों में मिले, इसलिए हमें शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगला सवाल जो हमारा है वो रविंद्र राय जी से है, कुछ पूछना चाह रहे हैं। 3 महीनों की क्या योजनाएं हैं और सबसे पहला काम क्या करेंगे उसके ऊपर जरा बताएं। ये संसद के नाते 3 महीने की कोई योजना मैं नहीं समझता हूं कि व्यवहारिक होती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता और देश की जनता में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जो एक सवाल खड़ा हुआ है, जनप्रतिनिधियों के प्रति आम आदमी का विश्वास जागृत हो, इस दृष्टि से उनके साथ जीवंत संबंध बनाने का प्रयास होगा। और झारखंड आने वाले समय में राजनीतिक अस्थिरता के दौर से जो गुजर रहा है उससे मुक्ति दिलाने के लिए एक प्रयास प्रारंभ होगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि पूरे झारखंड की समस्या है वहां राजनीतिक विश्वसनीयता काम करना, गठबंधन की सरकार से मुक्ति दिलाना और झारखंड को फिर से एक बार संविधान सम्मत शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाना। जी जी, हमारे संग भारतेंद्र सिंह भी हैं जो इंदौर से हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर आप बिजनौर को लेकर किस तरह की रूपरेखा सोचते हैं और किस तरीके से आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बिजनौर की जनता को भी आप वो सब दे सकेंगे जो उसने उम्मीदों से आपको दिया है? बिजनौर लोकसभा उत्तर प्रदेश की पहली लोकसभा क्षेत्र है, गंगा जी के दोनों किनारे। मेरे ख्याल से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्र बिजनौर लोकसभा का ही होगा। गंगा जी के कारण हमारे क्षेत्र में बाढ़ की बहुत समस्या है, गंगा जी का कटान बहुत है। और जैसे अभी किसी ने मेरे से पहले आपने प्रश्न पूछा, ये सारे विषय जो हैं ये दीज आर ऑल स्टेट सब्जेक्ट्स, ये प्रदेश सरकार के विषय हैं। 3-3 पॉइंट बता दीजिए, मैं फिर सबसे के पास जाना है। आप 3 वो क्या चीजें जो सबसे पहले दे देंगे अपने क्षेत्र को? सबसे जरूरी चीज तो बिजली है साहब। बिजली की योजना आई थी मगर वो रुक गई बीच में, केंद्र सरकार से पोषित थी वो, उसे करना है। और निश्चित ही जो गंगा की बाढ़ है जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया जमीन जो है, बहुत ही बढ़िया उपजाऊ जमीन है, वो कट रही है, बह रही है, इसके कटान को रोकना है। और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा ये योजना है सब केंद्र में वित्त पोषण के लिए यहाँ उपलब्ध है। जी, मेरे पास बड़े सीनियर हैं, पलामू से हैं, विष्णु दयाल जी भी आए हुए हैं, बड़े धैर्य से बैठे हुए हैं। माफी के संग देरी के लिए आपसे माफी चाहता हूं। विष्णु दयाल जी, सबसे पहले आपका तजुर्बा प्रशासन में काम करने का भी रहा है, आप पलामू को क्या क्या देना चाहते हैं और 3 वो कौन सी चीजें जिससे आपको लगता है पलामू की तकदीर बदल जाएगी? धन्यवाद आपको। मैं पलामू संसदीय क्षेत्र से आता हूं जो झारखंड राज्य में पड़ता है। पलामू की जनता किसी पर निर्भर करती है और पलामू रेन साइडो एरिया में पड़ता है, जिसके चलते प्रत्येक दूसरे वर्ष में वहाँ सुखाड़ पड़ जाता है। सुखाड़ की ऐसी भीषण स्थिति होती है कि देश के प्रधानमंत्री को भी उस जिले का भ्रमण करना पड़ता है। 1967 का अकाल पलामू को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाकर खड़ा किया था। पलामू में केवल 300 से 400 मिलीलीटर बारिश होती है, जबकि कम से कम 1500 मिलीलीटर बारिश होनी चाहिए। तो इस तरह से पलामू क्षेत्र की जनता जो कृषि पर निर्भर करती है, सिंचाई के असुविधा में के चलते खेतों में पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, समय पर पानी नहीं मिल पाता है। तो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वहाँ के किसानों के खेतों में पानी मिले और पर्याप्त मिले और समय पर मिले। इसके लिए वहाँ पर कन्हर जलाशय योजना है जो वर्षों से अधूरी पड़ी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये योजना पूरी हो। अब होंगे इस बीच हम 3 और सांसदों का स्वागत कर लें। लक्ष्मी नारायण यादव जी सागर से मध्य प्रदेश से सांसद हैं और रीवा से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, आप भी मध्य प्रदेश से हैं, और हरि नारायण राजभर जी सांसद हैं घोसी से। आप तीनों का मंच पर बहुत स्वागत है। राम कुमार जी, आप कुशवाहा जी की बातों को आगे बढ़ाएं, जिस तरीके से आपको भी चाहती हूं कि आप भी अपनी जनता के बीच अपनी बात रखें।
हमारे क्षेत्र की मूल समस्या है कि वहाँ किसानों को काफी असुविधा है, सिंचाई की काफी कमी है, और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने संपूर्ण बिहार में किसानों की सुविधा देने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए संकल्प ठाना है, और उसमें हम सहयोग करेंगे, और अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलकर के सीतामढ़ी में किसानों की जो समस्याएं हैं उसका निदान करेंगे, और साथ ही सीतामढ़ी माँ जानकी की जन्म स्थली है, उसको देश के स्तर पर पर्यटक स्थल में विकसित करने का काम करेंगे, जिससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जय अनुराग ठाकुर भी आ गए हैं, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से हैं, और ये वो युवा चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी को युवाओं को साथ लेके आगे चलने की अलग जगाता है, और इनसे बातें हमारी हमेशा होती रही हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि खास तौर पर अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन युवा कंधों पर है, और अनुराग जो बात निकल कर आ रही है कि इस बार आप युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, उनकी आकांक्षाएं कैसे पूरी करेंगे, माइक आपके सामने ही है, क्योंकि युवा धैर्य नहीं करता, इसलिए मैंने आपसे सवाल पहले पूछ लिया है, युवा जल्दी चाहता है हर चीज। मैं यही विश्वास दिला सकता हूं कि जो आशाएं अपेक्षाएं जो युवाओं की या देश की जनता की हमसे हैं, हम उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे, और यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं मोदी जी की सरकार ने गुजरात में 72% रोजगार देश का दिया है, अगर गुजरात राज्य दे सकता है तो मोदी जी देश में आकर भी दे सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा एक अच्छी सरकार देश में देने का, और ये तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं अपने युवा साथियों को, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, शिक्षा का अवसर हो उनके लिए, या बड़ी इंडस्ट्रीज का स्थापना करनी हो, या खेतों तक इरिगेशन की सुविधाओं तक की बात भी हो, रोजगार जो इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या भी है, मैं इतना ही कह सकता हूं हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, पढ़ा लिखा युवा हो, शहर का हो, ग्रामीण का हो, जिस भी क्षेत्र से नौजवान आएगा, हम हर राज्य के साथ, हर राज्य सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाकर ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेरे पास एक और युवा चेहरा है, राहुल जी हैं, फिर मैं अपने बुजुर्गों की तरफ भी जाऊंगा। राहुल जी, आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के अंदर अभी भी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं, और एक राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसने सभी सीटें बीजेपी को दे दी हैं, अब दबाव और भी ज्यादा है, तो कैसे इस दबाव को आप लोग झेलेंगे, क्योंकि ये बात सही है कि आप काम करेंगे, हमारे पास रोड मैप है, इतनी उम्मीदों से भेजा है, कितनी जल्दी 100 दिन के अंदर तीन चीजें तो ऐसी आपने कुछ दिमाग में रखी होंगी जो अपनी क्षेत्र में दे देंगे जनता को। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो राजस्थान में जब आए थे उन्होंने इस बात की प्राथमिकता से कहा था कि रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, राजस्थान के लिए सबसे अहम आज की तारीख में वही प्रोजेक्ट है, और हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, युवाओं के लिए रोजगार कैसे क्रिएट किया जाए उसके बारे में भी हमने बहुत आगे काम करना है, हमने इसका रोड मैप बना रहे हैं किस तरह वहां से रोजगार क्रिएट किया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, फर्नीचर बेस्ड बहुत इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स की, उनको कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग देके उनका आगे बढ़ाया जा सके, क्या उसमें हम कर सकते हैं, इन सभी प्लान्स के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, इन्हीं मुद्दों को लेकर लोकसभा में मेरा रोल रहेगा। लेते हैं मध्य प्रदेश की भी, तीन सांसद हैं हमारे सामने मध्य प्रदेश से, रीवा से, सागर से और मनोहर उटवाल जी, आप तीनों से जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश में भी आपकी सरकार है बहुत लंबे समय से है, और केंद्र में भी अब आपकी सरकार है, वहां की जनता की अपेक्षाएं जो हैं वो अब अनंत हैं, उनको कैसे पूरा करेंगे? मध्य प्रदेश के देवास लोकसभा से भी सांसद निर्वाचित हुआ हूँ, इससे पहले मैं मध्य प्रदेश में 3 बार विधायक भी रहा हूँ और मध्य प्रदेश के सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भी रहा हूं। मध्य प्रदेश की सरकार 3री बार रिपीट हुई है, इसलिए मैं तो ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्यशाली वर्ष है, क्योंकि जब हमारी प्रदेश में सरकार होती थी तो केंद्र में नहीं होती थी, और एक बार केंद्र में बनी तो हम प्रदेश में बाहर हो गए, उसके कारण जो निर्माण कार्य हम कराना चाहते थे मध्य प्रदेश में उनसे हम वंचित रहे। सरकार बनने के बाद हमने जो राज्य के हिस्से का काम था वो तो बहुत ईमानदारी से किया, मसलन बिजली, सड़क, पानी, इनको हमने पूरी ताकत से पूरा करने का किया, जनता की कसौटी पे हम खरे भी उतरे।
करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी संचालित की, उनकी महापंचायतें भी बनी और उनके माध्यम से जो जिनके पुश्तैनी धंधे उनको उसी वापस धंधे में ले जाकर उनके काम भी खड़े करने का काम किया। अब मैं चूंकि पहली बार लोकसभा से निर्वाचित हुआ हूँ और पूरी लोकसभा में रेलवे एक बड़ी प्रॉब्लम से, मेरा एक क्षेत्र है जो रेलवे से पहले कनेक्ट था आगर, वहाँ पहले रेल चलती थी। थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए, संक्षेप में तीन चीज बता दीजिए फिर इधर भी आना है। संक्षेप में वो तीन पॉइंट क्या है जो आपको सॉल्व करने? नंबर वन रेलवे, नंबर टू नेशनल हाईवेज और नंबर थ्री देवास का जो मेरा औद्योगिक पूरा एरिया है नेशनल कॉरिडोर से कनेक्ट है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। तो ये सारा का सारा तो केंद्र से ही आपको मिलना है, तीनों को जो मैं समझ पा रहा हूँ तीनों में केंद्र की आपको जरूरत पड़ेगी जी। तो अब सरकार, यही सवाल था, सरकार दोनों जगह आपकी है, कितनी जल्दी जमीन पे लाएंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार का शेयर हमने बहुत ईमानदारी से पूरा किया है, क्योंकि केंद्र हमारे लिए थोड़ी समस्या खड़ी करता था वो भी अब दूर हो गई है, इसलिए हमारे दिन अच्छे आ गए। हमारी आर्थिक ग्रोथ भी मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है, हम 3% में सरकार लेके आए थे जी। आज 11% की आर्थिक ग्रोथ मध्य प्रदेश सरकार की है जी जी। हमने कृषि के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण जी से, सागर से एमपी है लक्ष्मी नारायण यादव जी से जी। मैं लक्ष्मी नारायण यादव हूँ, सागर से लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मैं सागर बुंदेलखंड का एक हिस्सा है और वैसे बुंदेलखंड का एक हिस्सा पड़ता है यूपी में, पर यहाँ के लोगों को मैं बता दूं कि जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है वो यूपी के बुंदेलखंड की तुलना में ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि एक तो उसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पानी मतलब रुकता नहीं है, बहुत कम रुकता है, नदियाँ वहाँ से शुरू होकर के दूसरी या तो उत्तर पूर्व की ओर चली जाती हैं। तो इस प्रकार से सागर एक काफी समूचा बुंदेलखंड और सागर बहुत पिछड़ा हुआ है। सागर से रीवा चलते हैं लक्ष्मी जी, जनार्दन मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि जिन तीन वायदों को कर आपने जनता के सामने रखे थे, जनता ने आपको चुना और जैसा कि लक्ष्मी जी ने बता ही दिया कि बिजली सड़क पानी ये अब वहाँ की समस्या नहीं है, तो फिर आप कौन सी बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए हमारी सबसे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय से ही एक मांग रही है ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन जी, जो यमुना प्रसाद शास्त्री 1977 में मोरारजी भाई की गवर्नमेंट जब आई तब से वो मांग सदन के पटल पर आई और अब वो सतना से रीवा तक बड़े मुश्किल से उसका काम हुआ है। अब रीवा से सिंगरौली और ललितपुर से सतना इस रेलवे लाइन को स्वरूप मिले और ये कार्य रूप में परिणित हो, पहला ये है। दूसरा, रीवा शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा लेकिन विगत कई वर्षों से वो धीरे धीरे बहुत निम्नतम श्रेणी में आया है। हम चाहेंगे कि पर्यावरण की कोई बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन खुले, कृषि यूनिवर्सिटी रीवा में हो, क्योंकि कृषि का उत्पादन बहुत तेजी से रीवा में बढ़ा, जिस तरह सिंचाई योजनाओं का विस्तार हुआ है, शिवराज सिंह की सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाया है रीवा में, अब उसको हम खेत खेत तक नालियों के द्वारा नहरों के द्वारा ले जाना चाहते हैं। दूसरा, दुग्ध उत्पादन के माध्यम से एक किसान को साइड जो लाभ होना चाहिए, दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन और उसके माध्यम से गांव-गांव में कुटीर उद्योग, इन सारी ये तीन हमारी प्राथमिकताएं हैं जिन्हें मूल रूप देने का काम हम करने जा रहे हैं। अनुराग, एक सवाल आपसे जरूर लेना चाहता हूं कि ये आपने पूरे चुनाव में कहा कि जहां जहां बीजेपी शासित सरकारें रही वहां वहां काम बेहतर हुआ और यूपीए सरकार ने सम्मानित किया, अब आप लोग में कंपटीशन कैसे होगा कि कौन सी बीजेपी की स्टेट की गवर्नमेंट बेहतर काम करेगी और केंद्र सरकार उसको अवार्ड करेगी? इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं कि चाहे वो हिमाचल की बात आप ले लीजिए, अपने यहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठा लीजिए, या फिर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आप जहां भी जा रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इसमें अब क्या कोई आपको लगेगा कि अब इसमें भाई भतीजावाद चलेगा? मुझे लगता है पहली बार किसी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। संघीय ढांचे में प्रदेशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदेशों से समन्वय जब बैठेगा, संबंध अच्छे होंगे तो पूरे देश का विकास होगा। अगर आप पिछले 10 वर्षों में देखें तो भाजपा शासित राज्यों ने
10% से ज्यादा विकास दर दी और देश की कुल मिलाकर विकास दर 4.5% थी, यानी कि देश में सबसे बड़ा योगदान था तो भाजपा शासित राज्यों का था। हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि भाजपा शासित राज्य तो अच्छा करें ही करें, जहां पर कांग्रेस की सरकारें भी होंगी वहां पर कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, उनको भी उसी तरह से सभी बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों को मिलेंगे। उदित जी, ये बातें कहने में अच्छी बहुत लगती हैं, लेकिन हमेशा दिक्कत ये आती है कि दलितों के संग पूरी तरीके से न्याय नहीं हो पाता है। इस बार का एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, ऐसा है, हजारों वर्ष का अन्याय कुछ दिनों में कुछ महीनों में तो मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन गुजरात में जिस तरह से विकास नरेंद्र भाई मोदी ने किया है और उसी को हम दोहराने जा रहे हैं केंद्र के स्तर पर। जब विकास होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एजुकेशन डेवलप होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो का हम विकास करेंगे तो निश्चित तौर से इसका असर सभी वर्गों के ऊपर पड़ेगा। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, सच कहा है उन्होंने, जो कहते हैं करते हैं कि आने वाला दशक दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का है, यानी गरीबों का है, तो सरकार को आने दीजिए, छोटे लाल जी से हम उसको करेंगे। और जो वर्तमान में सरकारी स्कीमें हैं अगर ईमानदारी से उन्हें ही लागू कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा न्याय इन वंचित वर्गों को मिल जाएगा। स्कीमों की कमी नहीं है, कार्यक्रमों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जाता, इच्छा शक्ति की कमी है। थैंक यू उदित राज जी, आपके बगल में छोटे लाल जी भी हैं, मैं उनसे भी 2 मिनट जानना चाहूंगा कि उनके लिए अच्छे दिन के लिए क्या करेंगे। वो अच्छे दिन तो आ चुके हैं आप लोगों के लिए। धन्यवाद कि यह देख लो अपना ही राज कैसा है और किसी से पूछ लो हजरत मिजाज कैसा है और गोरे माथ हुए इसका नाज ऐसा है और समझ में आता नहीं कि यह स्वराज कैसा है। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि सोनभद्र एकदम पिछड़ा इलाका है। हमारा तो प्रथम प्राथमिकता है कि अपने सोनभद्र के लोगों को बिजली, पानी और शिक्षा, रोजगार और सोनभद्र का विशेष अधिकार। थैंक यू। अश्वनी चौबे जी हमारे साथ पहले सेशन में भी जुड़े थे और पर्यावरण पर काफी लंबी चौड़ी बातचीत भी यहाँ हुई, नदियों को जोड़ने की बात हुई। आप उत्तराखंड की जो त्रासदी हुई थी उस त्रासदी में आप फंसे थे, आप बिल्कुल कहें जो चश्मदीद थे उस त्रासदी के। जनता जानना चाहती है, जो लोग यहाँ पे हैं वो जानना चाहती है, उस त्रासदी में आपने क्या देखा और उसके बाद से पर्यावरण को लेकर के जो काम चल रहा है और जो आने वाली सरकार की योजनाएं हैं उस पर आप क्या मदद करना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कहा, अभी चर्चा हो रही थी प्रारंभ में भी नदियों को जोड़ने के बारे में, पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में। मुझे लगता है प्रकृति जो भगवान का दिया हुआ सृष्टि को नाम ही प्रकृति है, प्रकृति बचाओ सृष्टि बचेगी, पृथ्वी बचेगी। मैंने ये अनुभव किया जब उत्तराखंड के दौरे पर मैं गया और अभी 15 लोगों में से 7 लोग हमारे आज भी छूट गए, हमसे विदा हो गए। मैंने हजारों लोगों की उस त्रासदी में मौत होते हुए देखा। मैं मौत की छाया से लगातार 3-3 बार गुजरा, पूरे परिवार के साथ 8 परिवार के लोग हम आ पाए और जो मैंने स्थिति देखा किस प्रकार से मतलब अलकनंदा और जो मंदाकिनी है माँ गंगा को कैसे कैद किया गया है, मैं चारों तरफ वही देखते हुए जा रहा था किस प्रकार के होटलें बन रहे हैं गंगा के किनारे पर, उनकी धारा को रोक करके किस प्रकार से वहाँ इंडस्ट्रीज बिजली के उत्पादन हो रहे हैं। मुझे लगा कि ये सचमुच में गंगा माता को कैद करके रखा है लोगों ने और वो एक न एक दिन प्रलय का रूप होगा। मैंने वो प्रलय को अपने आंखों से, जो मैं उत्तराखंड की यात्रा में जा रहा था वो प्रलय मुझे 16 तारीख की 15 की रात में ही आभास हो गया और 16, 17, 18 3 दिनों तक जिस मंदिर में मैंने शरण लिया 16 की रात में, पूरे परिवार 3-3 बार हम लोग दह गए फिर बच गए नंदी बाबा की कृपा। उस त्रिशूल में मैं अटक गया, 6 घंटे तक मैं रहा। मैंने जीवन में ये चीज व्रत लिया है
कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए जो कुछ भी बचा हुआ शेष दिन हमारे हैं, शायद केदारनाथ बाबा की कृपा होगी कि मुझे उनकी कृपा से मुझे बक्सर से सांसद बनाने का काम हुआ है। मैं समाज सेवा के साथ साथ शुरू से ही पर्यावरण के प्रति हमारे लगाव रहे, और प्रकृति और पर्यावरण ये अपने आप में बड़ा ही सुंदर चीज है। नदियों को जोड़ने की बात जो अभी बात आई है, देखिए जहां गंगा नदी हमारे हरिद्वार से लेकर के गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बहती है, हमें उस गंगा माता की रक्षा करनी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनारस में उस दिन गंगा महाआरती, मेरे आंख छल रहे थे, मेरे आंख से पानी जा रहा था, मैं उस मंदाकिनी और अलकनंदा को देख रहा था, और हजारों लोग जो त्रासदी में हमारे सामने मौत के मुंह में जा रहे थे, स्वयं भी मौत के मुंह से बचा था, मैं उन सभी दृश्य को उस समय मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे लगा कि गंगा माता की अगर देश की आजादी वंदे मातरम से हुआ तो इस देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा गंगे मातरम से होगा, बांग्लादेश से। और फरक्का बराज के कारण जिस समय पानी यहाँ बहुत ज्यादा गंगा नदी में आती है, उसकी रणनीति उस समय देखिए, ये मेरी बात सुनिए चौबे जी, उस समय फरक्का बराज के उस खोल दिया जाता बरसात के समय में, उस समय बांग्लादेश से बंद कर दिया जाता है, लोग डूबते हैं, मरते हैं, और हमारे यहाँ सुखाड़ भी है। इधर डाल्टनगंज आपने कहा, झारखंड से लेकर के बिहार के कई कैमूर का एक सवाल भी आना है, तो मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए गंगा को या नदियों को जो जोड़ने की योजना माननीय अटल जी का है, जो नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी उस बात को सार्थक कह रहे हैं और उसका प्रयास होगा, मुझे लगता है कि इस बात के लिए हमें प्रकृति की रक्षा करना और पर्यावरण और जल के लिए कहीं दूसरा महाभारत न हो जाए, और मुझे लगता है कि जल को बचा करके रखना यह आवश्यक है। इसलिए जल को जिस प्रकार से हम लोग बर्बाद करते हैं, इसलिए पर्यावरण की रक्षा और पेड़ पौधों, ये भागीदारी की बात आपने की कि जनता जनता ये भागीदारी निभाएगी, निभाएगी जनता ये भागीदारी। एक सवाल जनता पूछना चाहती है, अभिजीत जी है, उदित राज जी के लिए इनके पास एक सवाल है। मैं सबसे पहले आज इस साधना चैनल के द्वारा जो आयोजित आशाएं 2014 पर आमंत्रित सांसदों से विचार के लिए हम सबों को भी आमंत्रित किया, उसके प्रति आभार प्रकट करता हूं, मंच को सम्मान करता हूं। मैं उदित राज जी से एक सीधा प्रश्न करना चाहूंगा। एक समय ऐसा आया था कि पूरा देश जल रहा था, आरक्षण के विरोध में पूरे देश भर में जिस प्रकार छात्र छात्राओं का सवाल पूछ लीजिए, समय कम है, सवाल पूछिए। मैं सवाल ही पर आ रहा हूं। आज पिछले दिनों अभी बिहार में भी आरक्षण मुद्दे पर एक विवाद खड़ा हुआ। मैं जानना चाहूंगा उदित राज से, यहां दो दो वंचित समाज के नेता यहां उपस्थित हैं, दोनों से मैं यह जानना चाहूंगा कि आपका नजरिया क्या है इस आरक्षण नीति पर, आप स्पष्ट करना चाहेंगे। देखिए, इसमें कोई नए नजरिया नहीं है। संविधान के निर्माण के समय जो नजरिया आरक्षण के प्रति दिया गया था वही आज भी मैं रखता हूं, वही पार्टी का भी है कि दलितों को जो आरक्षण दिया गया है सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ेपन के कारण दिया गया है, और पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया है उसमें एक आर्थिक कारण भी लगा दिया गया है। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसको बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, 16 नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया इंदिरा साहनी के मामले में, एक राइडर यानी एक उसमें और फैक्टर जोड़ दिया कि जो आर्थिक क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। तो जो संवैधानिक हो चुका है, जो संविधान निर्माताओं ने कर दिया है, वो तो उसके ऊपर कोई विवाद तो है नहीं, न पार्टी का विवाद है न किसी और तरह का विवाद है। तो मेरा समझ में नहीं आता कि आपका प्रश्न क्या है, और तो अगर कोई प्रश्न इससे संबंधित, इसमें कोई प्रोविजन से, प्रावधान से संबंधित हो, देन आई कैन आंसर इट, अदरवाइज ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है।
इस पे लंबी डिबेट की जरूरत है, बाद में इस पे बात करेंगे। मेरे पास समय कम रह गया है, मेरे पास समय बहुत कम रह गया है। हमारे एक मेहमान और मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उदित जी हमारे मेहमान डायस पे मौजूद हैं, आप उनको दें माइक। आप बताएं क्या आपको अपनी करना है जनता के लिए, और आप अपना परिचय स्वयं दे दें, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, बताएं। मैं हरि नारायण राजभर, मैं घोसी क्षेत्र उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुआ हूं। पहले तो मैं उस क्षेत्र की जनता, आप पूराल भारत की जनता को धन्यवाद दूंगा कि हमें जिताते हुए भारतीय जनता पार्टी को इतनी संख्या बल दिया कि भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के संबंध में, चूंकि आपका सवाल स्पष्ट नहीं हुआ राजभर जी, सीधी सी बात है, मैंने सबसे पूछा है तीन वो चीजें जो घोसी को देनी है, जो घोसी की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत है, वो आप कितनी जल्दी कराएंगे? तीन चीजों में कौन सी चीज? ये तो आप बताएंगे, मूलभूत समस्याएं क्या हैं घोसी की, घोसी में कितनी जल्दी आपको काम पूरा करना है, और वहां की जनता ने जिस वजह से आपको संसद तक भेजा है वो आप कितनी जल्दी उसकी उम्मीदें पूरी करेंगे? घोसी क्षेत्र की जनता को वहां के बंद कार्टन्स मिल, सूती कार्टन्स मिल या चीनी मिल रसरा को खुलवाने के लिए विशेष जोर है। दूसरी बात है कि घोसी की जनता आज दसियों साल से गुंडा राज से निजात नहीं पा रही थी। वहाँ मुख्तार अंसारी एक ऐसे माफिया हैं जिनका पूरे आतंक था। घोसी की जनता मेरे माध्यम से उनको परास्त किया, गुंडा राज से मुक्ति मिली, और वहाँ सड़क जो है, सड़क समस्या तो उसको हम लोग जो है प्रयास करके उसको दूर कराएंगे। बिजली की समस्या है तो आल प्रदेश की समस्या है, उसको भी जनता के सहयोग से मैं आंदोलन करके चाहे जैसे हो उसको समाप्त करेंगे। रहा सवाल वहाँ के विकास का सवाल जी, तो नरेंद्र मोदी भाई हमारे विकास पुरुष हैं जी, गुजरात जी, आपने बता दिया विकास सीधे तौर पर आशाएं 2014 के दौरान हमने यही जानने की कोशिश की, जितने भी सांसद जीत कर आए हैं कि वो जब संसद में जाएंगे तो अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जनता को क्या देंगे, और इस सरकार के संग किस तरीके से भागीदारी करके बेहतर काम करेंगे, और जनता से उन्हें क्या भागीदारी चाहिए। यानी 50-50% की शेयर निकल कर आया है कि जनता को भी साथ देना होगा, सरकार पूरी ईमानदारी से काम करेगी तो देश की तस्वीर बदल जाएगी। अगर सब कुछ जनता ये चाहेगी कि सरकार पूरा कर देगी तो ये संभव नहीं है, इसलिए दोनों को साथ मिलकर चलना होगा। और ये मान के चला जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर भारत एक नए उदय को देखेगा। आशाएं 2014 सबकी पूरी होंगी, जरूरत इस बात की है कि जनता और सरकार एक साथ मिलकर अपने कर्तव्यों को निभाए, अपने दायित्वों को भी पूरा करे, इसके बाद अपने अधिकारों की बात करे, और खास तौर पर जितने भी सांसद पहुंच रहे हैं और जो मंत्री बन रहे हैं उन्हें यह नहीं भूलना होगा कि वो अगर गए हैं संसद में तो सिर्फ जनता की सेवा करने गए हैं। यह ध्यान रखेंगे तो आशाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। इस कार्यक्रम में आज इतना ही, मुझे प्रखर प्रकाश मिश्रा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सीधे तौर पर साधना न्यूज के साथ, और हम आपके हक की खबरें जरूर आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपके मुद्दे भी उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।